हेलो फ्रेंड्स, मेरा रविकांत है और कॉम्पिटिटिव वर्क नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम करेंगे क्वांट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज HCF एंड LCM, और देखेंगे कैसे हम कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। सो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करें, जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आप तक मिलते रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सो सबसे पहले HCF और LCM के बारे में कर रहे हैं। सो हमें यहाँ पे बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। क्लियर है गाइस? सो सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स सेट ऑफ नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर। अगर तो दो नंबर्स हैं वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, मीन्स टू से जो रिमाइंडर है वो जीरो आ रहा है। अगर तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, इट मीन्स वो दोनों एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स वो क्या एक दूसरे के फैक्टर्स हैं। क्लियर है गाइस? सो मल्टीपल्स क्या है? सेट ऑफ नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। ठीक है, वो एक दूसरे से एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 8। सो 8 के फैक्टर्स, ठीक है, क्या होंगे? 8 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यही इनके फैक्टर्स होंगे। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो कितना आएगा? 8 आएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर दोनों नंबर्स को डिवाइड करोगे तो ये दोनों नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होंगे। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? आपका जीरो आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 को एग्जैक्टली डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। क्लियर है गाइस? सो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, मीन्स टू से ये नंबर्स क्या हैं? फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं कि मल्टीपल्स की। सो 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 8 के मल्टीपल्स क्या हैं? 8, 16, 24, 32, 40, 48, so on। सो ये सभी क्या होंगे? मल्टीपल्स होंगे। क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। क्लियर है गाइस? सो नेक्स्ट करते हैं LCM। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सो ये दो मेथड में हम इसको डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है? सो इससे देखेंगे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द LCM ऑफ 8, 12, 15। सो यहाँ पे हम 8, 12, 15 के पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। प्राइम फैक्टर्स कैसे देखेंगे? सो यहाँ पे हम LCM लेंगे, जैसे 2 पे 8 कितने पे जाएगा? 4 पे, 2 अगेन 2 पे जाएगा, 2 अगेन 1 पे जाएगा। क्लियर है? सो यहाँ पे 8 के मल्टीपल्स, ठीक है, क्या आ जाएंगे? 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 लिख सकते हो। सिमिलरली आप लोगों ने 12 के लेने, 12 के कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 3 12 होता है। सो आगे कितना है? 15। 15 को क्या लिख सकते हो आप? 3 मल्टीप्लाई 5। क्लियर है गाइस? सो अभी देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने LCM निकालना है। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सो यहाँ पे लिस्ट का ऑपोजिट क्या होगा? लिस्ट का ऑपोजिट क्या होगा? हाईएस्ट होगा। क्लियर है? सो यहाँ पे आपने हाईएस्ट पावर देखनी है कि क्या होगी। ठीक है, 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या कॉमन आ रही है सभी में से? 2 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? 3 आएगी, मल्टीप्लाई। सो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी कॉमन आ रही है? 3 की हाईएस्ट पावर। क्लियर है? सो 3 की पावर 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ ना। सो 3 की पावर 0 कितना होता है? 1 होगा। मीन्स टू से इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे, अगर मैं 3 की पावर 0 लगा देता हूँ। 3 की पावर 0 कितना होता है? 1। किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर 5 की पावर 0 तो भी 1 होगा, 2 की पावर 0 तो भी 1 होगा, इवन 1000 की पावर 0 है तो भी वो कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है? सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 की क्या आ रही है? 1 आ रही है, मल्टीप्लाई 5 की हाईएस्ट पावर क्या कॉमन आ रही है? 1 आ रही है। क्लियर है? सो इनको आप लोगों ने क्या करना है? अभी मल्टीप्लाई करना है। सो 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? ये आपका 120 आ जाएगा। सो 120 यही हमारा क्या होगा गाइज? आंसर होगा। क्लियर है? सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ईजी है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है? इसके फैक्टर्स बनाने हैं। सो जैसे हम फैक्टर्स बनाएंगे उसमें से हमने कॉमन निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे लिस्ट है, सो हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर कॉमन निकालेंगे। क्लियर है? सो हाईएस्ट पावर जो भी कॉमन आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका क्या आ जाएगा गाइज? आंसर आ जाएगा।
सो अभी इसका सेकंड मेथड देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या है यहाँ पे, डिवीजन मेथड। सो डिवीजन मेथड के साथ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे देखो 15, 24, 32, 45। सो हम यहाँ पे सभी को ठीक है सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज करो पहले 2 के टेबल पे ये 15 आ जाएगा, यहाँ पे 12 कितने पे जाएगा, सॉरी 24 12 पे जाएगा, 32 कितने पे जाएगा, यहाँ पे 16 पे जाएगा, 45 2 के टेबल पे नहीं जाता, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। क्लियर है गाइज। अगेन 2 के टेबल पे देखो ये 15 नहीं जाएगा, एज इट इज लिख लेंगे। 12 कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 16 कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 45 नहीं जाएगा, इसको भी हम एज इट इज लिख लेंगे। क्लियर है गाइज। सो अगेन 2 के टेबल पे देखो ये 15 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45। सो आगे हम 3 के टेबल पे देखते हैं इसको, सो 15 कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 3 1 पे जाएगा, 4 नहीं जाएगा, इसको एज इट इज लिख लेंगे। 45 कितने पे जाएगा, 15 पे जाएगा। सो आगे इसको 5 पे कट करो, सो 5 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 नहीं जाएगा, एज इट इज यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे सभी क्या आ जाएंगे, प्राइम आ जाएंगे। अगर आप इसको 4 है यहाँ पे 2 पे करोगे तो सेम वही स्टेप रिपीट हो जाएगा, सो इसको आप 4 ही लिख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है। सो इसको अभी क्या करेंगे, हम सभी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जितने भी आए हैं 4 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 3 2 2 2, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अभी देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट वे क्या है। जब भी 5 और 2 का ठीक है कॉम्बिनेशन पड़ा हो तो सबसे पहले आप इनको बाहर निकाल लो। 5 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 10 होगा। 10 को आप साइड में लिख लो, ये तो क्या है लास्ट में हमने जीरो लगानी ही लगानी है इसकी। क्लियर है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36, 36 को 2 से करोगे 72, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 4 ये आ जाएगा। सो यहाँ पे जीरो भी लगानी है हमने, ठीक है 5 मल्टीप्लाई 2, सो यहाँ पे जीरो लगा देना। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है गाइस। सो मल्टीप्लाई करना बहुत इजी, आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, जब भी 5 और 2 आ जाएंगे उनको 5 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 10, उनको बाहर निकाल लेना है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 2 10 क्या होगा, एक जीरो ही लगानी है। सो लास्ट में हम कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो जाएगी। इस जो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं कैलकुलेशन के, आप लोगों ने इनको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम सभी को मल्टीप्लाई करके देखें साइड में रफ वर्क में, सो टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है। सो हम जितने भी ट्रिक्स होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। सो जो हमारा मेन यहाँ पे फोकस होगा कि हमने 50 मिनट में जो क्वेश्चन पेपर है उसको अटेम्प्ट करना ही करना है। क्लियर है गाइस। 50 मिनट में हमने टाइम लेके चलना है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो आगे करते हैं हम हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है HCF हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इसके भी दो मेथड्स हैं जिसके साथ हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है। सो पहले क्या है, 24, 30, 42 हमने इसके क्या बनाने, फैक्टर्स। सेम यहाँ पे जैसे हमने लास्ट में बनाए थे 24 के, यहाँ पे फैक्टर्स 2 12 पे जाएगा, अगेन 2 6 पे जाएगा, अगेन 2 3 पे जाएगा, 3 यहाँ पे कितने पे जाएगा 1 पे। सो यहाँ पे जो 24 है उसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1, ठीक है ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप 30 के फैक्टर्स बनाते हो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, ठीक है 5 मल्टीप्लाई 3 15 मल्टीप्लाई 2 30 आ जाएगा। आगे कितना यहाँ पे 42 की अगर आप बनाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, ठीक है 7 मल्टीप्लाई 3 21 होता है, 21 को 2 से करोगे 42। ये सभी क्या है, प्राइम फैक्टर्स आगे। क्लियर है। सो आप इसको एलसीएम लेके साइड में निकाल सकते हो। सो उसके बाद हमने क्या करना है, HCF निकालना है। सो HCF क्या होता है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाइएस्ट का ऑपोजिट, ठीक है। ये ऑपोजिट कब देखेंगे, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। हाइएस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, लोएस्ट। सो यहाँ पे हम लोएस्ट पावर कॉमन निकालेंगे सभी में से, लोएस्ट पावर। क्लियर है गाइस। सो हमने एलसीएम में क्या किया था, हमने हाइएस्ट एलसीएम क्या था, एलसीएम जो था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे हमने हाइएस्ट पावर कॉमन निकाली थी, यहाँ पे हाईएस्ट है, सो हाईएस्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लोएस्ट। यहाँ पे हम लोएस्ट पावर कॉमन निकालेंगे। सो यहाँ पे देखो 2 की लोएस्ट पावर तीनों में क्या कॉमन आ रही है, 2 की पावर 1 कॉमन आ रही है, सो ये कॉमन निकालो। 3 की पावर क्या कॉमन आ रही है, लीस्ट, ठीक है लोएस्ट पावर, सो सभी में से 1 1 है यहाँ पे पावर, सो 3 की पावर 1 आ जाएगा कॉमन, ठीक है।
सो 5 यहां पे 5 की पावर 1 है, सो यहां पे तो 5 नहीं है, लेकिन मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 0 लिख सकता हूं, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 0 लिख सकता हूं। लास्ट में मैंने बताया था अगर 5 की पावर 0 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, वो तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो सेम वही इक्वेशन में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ठीक है। सो यहां पे 5 की पावर 0 लिखोगे तो भी 1 आ जाएगा, अगेन 7 की पावर 1 है, यहां पे 7 नहीं है, सो 7 की पावर अगर 0 कॉमन निकालोगे तो भी कितना आएगा, 1, मींस टू से ये आपका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, क्लियर है गाइस। सो 3 मल्टीप्लाई 2 6 ये हमारा आंसर आ जाएगा अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे, ठीक है। हमने यहां पे लोएस्ट पावर कॉमन निकालना है, जो सभी में से कॉमन आएगी लोएस्ट पावर, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट यहां पे क्या है, सेकंड टाइप क्या है, डिवीजन मेथड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीजन मेथड। अगर हमारे पास कोई सपोज करो बड़ी टर्म्स आती हैं जिनका हमने HCF निकालना है, सो हम डिवीजन मेथड के साथ ही उसको सॉल्व करेंगे। सो देखो कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि 42 और 455 का हमने HCF निकालना है, सो यहां पे हम डिवाइड करेंगे इसको 455 को, ठीक है। सो डिवाइड करेंगे, यहां पे हमने जितना भी अंदर पड़ा है इसको हमने पूरा पूरा डिवाइड करना है। सो 42 के टेबल पे ये कितने पे जाएगा, 10 पे जाएगा इस पे, सो 10 पे कितने पे जाएगा, 420 जाएगा, क्लियर है। सो यहां पे देखो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 - 0 5 आ जाएगा, 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इतना क्लियर है गाइस आपको, ठीक है। सो आपको एक बात और पता होना चाहिए, जो अंदर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, और जो बाहर होता है इसको हम डिवीजर बोलते हैं, और जो यहाँ पे हमारे पास साइड में आता है इसको कोशेंट, और जो नीचे आता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं, क्लियर है। सो यहाँ पे आप लोगों ने क्या याद रखना, भी जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होता है ये किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजर में चेंज हो जाएगा, क्लियर है। और जो डिवीजर होता है यहाँ पे वो किस में चेंज होगा, डिविडेंड में चेंज होगा, क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे जो रिमाइंडर है ये क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा, सो इसको हम डिवीजर बना देंगे आगे, जो यहाँ पे डिवीजर था वो यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा, क्लियर है। सो अभी हम इसको फिर डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड करके कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 35 आ जाएगा, सो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7, अगेन रिमाइंडर है जो डिवीजर बन जाएगा, सो इसको हम डिवीजर बना देंगे, और जो डिवीजर था, डिवीजर कितना है यहाँ पे, 35 ऊपर, इसको हम डिविडेंड बना देंगे, सो डिविडेंड बन जाएगा ये, सो कितना आ जाएगा ये, 5 पे जाएगा, 35, सो रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। अब इसके आगे हमने इसको सॉल्व नहीं करना जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सो लास्ट में जो भी हमारे पास डिवीजर आएगा यही हमारा क्या होगा गाइस, HCF होगा, क्लियर है। सो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये डिवीजर मेथड समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है गाइस। सो इसके साथ आगे जो क्वेश्चंस होंगे हम उनको प्रैक्टिस करेंगे, और जो HCF के और शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उनको हम आगे स्टडी करेंगे जैसे कि हम आगे क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। सो यहाँ पे आप लोगों ने एक फार्मूला याद रखना है, ठीक है, HCF, अगर हम HCF निकाल रहे हैं, HCF किसका, फ्रैक्शन का, ठीक है। HCF अगर फ्रैक्शन जैसे सपोज करो 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 4/5 हो गया, ठीक है, हम इसका फ्रैक्शन पार्ट है, इसका हम HCF निकालेंगे। सो HCF ऑफ न्यूमिरेटर, जो ऊपर वाला हम उसका न्यूमिरेटर का HCF निकालेंगे, और जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा उसका हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, क्लियर है। सो ये जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं इसका, ठीक है, इस न्यूमिरेटर्स हैं इसका हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा उसका हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, क्लियर है गाइस। सो सिमिलरली सपोज करो कि हमने यहाँ पे अभी LCM निकालना है, LCM निकालना है किसका, LCM ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पार्ट का हमने LCM निकालना है। सो अगर LCM निकालना है, ऊपर वाले का LCM आ जाएगा, जो न्यूमिरेटर, ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे न्यूमिरेटर बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। सो जो नीचे वाला पार्ट आ जाएगा उसका हमने HCF निकालना है, क्लियर है। जो भी हमने पूछा गया होगा वो ऊपर वाले का फाइंड आउट करेंगे, उसका ऑपोजिट जस्ट वो नीचे वाले का फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमसे HCF पूछा गया था, ऊपर HCF, नीचे LCM, यहाँ पे हमने सपोज करो LCM पूछा जाएगा, तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF हम फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है गाइस। सो ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। सो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो आगे क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास, फाइंड द LCM ऑफ 8, 15, 24, 72।
सो 8, 15, 24, 72 का हमने एलसीएम निकालना है. सो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डिवीजन मेथड लगाते हैं. सो 2 के टेबल पे ये 4 पे जाएगा, 15 नहीं जाएगा एज इट इज़ उतार लेंगे. 24 कितने पे जाएगा, 12 पे जाएगा. 72 कितने पे जाएगा, 36 पे जाएगा. सो अगेन 2 के टेबल पे 4 2 पे जाएगा, 15 नहीं जाएगा एज इट इज़. 12 6 पे जाएगा, 36 कितने पे जाएगा, यहाँ पे 18 पे जाएगा. क्लियर है गाइज? सो अगेन आप इसको 2 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हो. सो 1 15 यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा. सो ये अगेन 3 के टेबल पे जाएगा. सो 3 के टेबल पे 1 5 1 3. क्लियर है? सो अभी हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाई में मैंने शॉर्टकट कंसेप्ट बताया था, अगर 5 और 2 आ जाए तो आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके साइड में लिख सकते हो. क्लियर है? 5 मल्टीप्लाई 2 10. सो अभी हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना. सो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 9. 9 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, यहाँ पे 18. 18 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 36. 36 आ गया. और 5 मल्टीप्लाई 2 क्या था, 10. यहाँ पे साथ में 0 लगा तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी. क्लियर है गाइस? सो इससे आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो फास्ट होगी. आपने वहाँ पे जितना भी टाइम आप बचा सको वो आप लोगों ने वहाँ पे बचाना है. ठीक है? सो जितना भी, जैसे 2 सेकंड बचाना है, 5 सेकंड, सो आप बचा सकते हो इजिली अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी. और जो शॉर्टकट्स मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों ने एज इट इज़ याद रखने हैं और प्रैक्टिस करनी है. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे. क्लियर है गाइस? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं. सो हमने इसका एलसीएम निकालना है. सो एलसीएम निकालना है 2A 5A 7A. सबसे पहले कौन से टेबल पे जाएंगे, ए के टेबल पे जाएंगे. सो ए के टेबल पे 2 5 7. क्लियर है? सो कॉमन आ रहा है, सो निकाल लो बाहर. सो अभी क्या करो, सभी को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है? सो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35, 35 को 2 से करोगे 70, 70 को A से मल्टीप्लाई करोगे 70A. सो यही हमारा क्या आ जाएगा गाइस आंसर, दैट इज एलसीएम. सो ऑप्शन नंबर A हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर. क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी नंबर्स का. ठीक है? सो यहाँ पे अभी हमने क्या निकालना है, HCF. सो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो बड़े हैं, सो यहाँ पे हम डिवीजन मेथड लगाएंगे. सो यहाँ पे आप लोगों ने अभी एक शॉर्टकट ट्रिक से याद रखनी है, वो क्या है. अगर सपोज करो आपके पास 3 नंबर्स आ जाते हैं और आपने डिवीजन मेथड लगाना है, जो सबसे छोटा होगा उसको, जो सबसे बड़ा है, जो यहाँ पे सबसे बड़ा है, उन दोनों को सॉल्व करना है. क्लियर है? सो 5 1 3 डिवाइडेड बाय 1 2 1 5. क्लियर है? इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है. और इन दोनों को सॉल्व करके जो आपका आंसर आ जाएगा वही आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा. जो यहाँ पे बीच वाला होगा इसको आप लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जो 99% केसेस में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो सबसे छोटा है और सबसे बड़े को अगर आप यहाँ पे HCF डिवीजन मेथड लगाते हो तो यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 99% केसेस में. क्लियर है? सो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज अगर आप करना चाहते हो इसको भी सॉल्व, तो पहले क्या करो, पहले इन दोनों को डिवाइड करो. जो भी यहाँ से HCF आएगा उसको आप थर्ड वाले के साथ यहाँ पे डिवाइड करो. जो लास्ट में HCF आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा. क्लियर गाइस? लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स जो है मैं आपको वो बता रहा हूँ, उसी के साथ हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. जो सबसे छोटा है उसको सबसे बड़े से हमने डिवाइड करना है. ठीक है? सो यहाँ पे ये कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा. सो 2 पे कितने पे जाएगा, ये 1026 पे जाएगा. क्लियर है? और यहाँ से जो रिमाइंडर आ जाएगा 981. क्लियर है? सो आगे यहाँ पे जो डिवीज़र है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा. और जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र बन जाएगा. क्लियर है? सो यहाँ पे ये 2 पे जाएगा. क्लियर है? सो 2 पे यहाँ पे कितने पे जाएगा, ये 378 पे जाएगा. क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे 13 5 आ जाएगा. यहाँ पे 0 अगेन इससे लेगा, बोरो करेगा. सो 10 3 आ जाएगा यहाँ पे. सो यहाँ पे 1 आ जाएगा. क्लियर है? सो यहाँ पे अगेन जो 189 है वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है? जो यहाँ पे डिवीज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा. सो अगेन आप इसको 1 से करोगे 135. सो 9 माइनस 5 4 आ जाएगा. 8 माइनस 3 यहाँ पे 5 आ जाएगा. सो अगेन 54 है. 135 जो, ठीक है, डिवीज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा. रिमाइंडर है जो वो डिवीज़र बन जाएगा. सो 54 पे ये कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा.
सो टू के टू पे आप करोगे कितने पे जाएगा 108 पे। सो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास 72, ठीक है। सो यहाँ पे 27 आया, सो आगे यहाँ पे अंदर के आएगा भी 54 आएगा। सो 54 आएगा, 54 कितने पे जाएगा टू पे जाएगा। सो 54 यहाँ पे टू पे जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। सो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया। जो लास्ट में आपके पास डिवीजर होगा यही आपका क्या होगा गाइज आंसर होगा, क्लियर है। सो यहाँ पे अगर आप HCF फाइंड आउट करोगे तीनों का कितना आ जाएगा 27। सो 27 यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्लियर है। अगर आप यहाँ पे 27 को 1134 पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे रिमाइंडर डायरेक्ट जीरो आ जाएगा, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे क्या है फ्रैक्शंस में है, ठीक है। सो फ्रैक्शंस में फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। सो हमने एलसीएम पता करना है। एलसीएम का मेथड शॉर्टकट क्या बताया था, जो ऊपर वाले डिजिट है हमने उसके एलसीएम निकालना है और जो नीचे है उसका हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 1, 2, 5, 4 और यहाँ पे नीचे एचसीएफ निकालेंगे ऑफ 3, 9, 6, 27, क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम 1, 2, 5, 4, सो इसका अब एलसीएम निकालेंगे 1, 1, 5, 2। सो 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20। सो कितना आ जाएगा यहाँ पे ऊपर 20 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे अभी हम क्या निकालेंगे HCF। सो यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक देखो क्या है जो हम पूरे क्वेश्चंस में यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, इस ट्रिक को 3, 9, 6, 27, क्लियर है। सो हम जब भी HCF निकालेंगे सभी में से जितना कॉमन आ रहा है हमने वो निकालना है, ठीक है। जब कॉमन आना बंद हो जाएगा तभी हम वहाँ से छोड़ देंगे, वही हमारा क्या होगा गाइस HCF होगा, ठीक है। सो सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, सो 3 कॉमन निकाल लो। यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा। अभी इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब कि यही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा गाइस HCF हो जाएगा, क्लियर है। ये ट्रिक आप लोगों ने याद रखनी है, आगे जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसमें हम ये ट्रिक को फॉलो करेंगे, क्लियर है। सो हमने क्या करना है ट्रिक में, जब भी हम HCF निकालेंगे जितना कॉमन आ रहा है सभी में से हमने जस्ट वो निकालना है, जब कॉमन आना बंद हो जाएगा तभी हमने वहां तक छोड़ देना है, ठीक है, फिर हमने आगे सॉल्व नहीं करना, ठीक है। सो वही हमारा क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा 3। अगर मैं इसको नीचे तक आगे सॉल्व कर देता हूँ 1, 1, 1 जब आ जाएगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा LCM बन जाएगा, जब तक कॉमन आ रहा है, ठीक है, निकाल रहे हो वो आपका क्या आ जाएगा HCF। सो नीचे कितना आ जाएगा आंसर 3। सो 20/3 आपका क्या आ जाएगा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी, बहुत ईजी ट्रिक है और बहुत यूजफुल ट्रिक है, इसको हम सभी क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, क्लियर है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द HCF ऑफ, ठीक है। सो फ्रैक्शन में है, सो हमने जो ऊपर है HCF ऑफ 1, 3, 4 इनका हमने क्या निकालना है HCF, और नीचे वाले का हमने क्या निकालना है LCM 2, 4 और 5 का, ठीक है, 2, 4 और 5 का। सो 1, 3, 4 इनका भी हम HCF निकालेंगे, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा तो उसका हमेशा HCF कितना होगा 1 होगा, क्लियर है। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो उनका जो HCF होगा वो कितना होगा 1 होगा, क्लियर है। सो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। वैसे भी आप इसको क्या लिख सकते हो 3 × 1 और इसको 4 × 1, ठीक है, ये तो 1 है ही है, सभी में से क्या 1 ही कॉमन आएगा और तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्लियर है। सो 1 ही कॉमन आएगा। सो यहाँ से याद रखना है जब भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा सो 1 HCF आ जाएगा। सो नीचे वाले हैं 2, 4, 5, ठीक है, 2, 4, 5 का हमने क्या लेना है यहाँ पे LCM, ठीक है, LCM यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। सो यानी कि 1/20 हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है गाइस। सो आगे क्या है डेसिमल क्वेश्चन है, सो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड द HCF ऑफ दिस वन। सो यहाँ पे क्या है 0.63 है, सो 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ 63/100 लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या है 1.05 को 105/100 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्लियर है। सो आगे क्या है 21 बाय 10 लिख सकता हूँ इसको 2.1 को, क्लियर है।
सो इस टाइप्स के क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो हमने सेम करके चलना है. क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे क्या है 100. सो हमने इसको भी 100 बनाना है. सो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे और ऊपर भी हम एक जीरो लगा देंगे. वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी. क्लियर है? सो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने हमेशा सेम करके चलना है. क्लियर है? अगर आप डिनोमिनेटर पार्ट सेम नहीं करते तो आपका जो आंसर होगा वो 90% केसेज में राइट आएगा. ठीक है, 90% केसेज में राइट आएगा. अगर आप डिनोमिनेटर पार्ट को सेम कर लेते हो, डिनोमिनेटर पार्ट को सेम कर लेते हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो 100% केसेस में सही आएगा. क्लियर है गाइस? सो ये ट्रिक आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी डेसिमल का आ जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट आप लोगों ने सेम रखना है. क्लियर है? आगे हम इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है HCF निकालना है. सो जो ऊपर है इनका हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और जो नीचे है हम इनका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे. क्लियर है? सो 63105210 का हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, HCF. सो कॉमन पार्ट, सो सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है. सो यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा. क्लियर है? इन तीनों में से और क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है तीनों में से. सो 7 कॉमन आ रहा है तो निकाल लो. सो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा. अभी चेक करो तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 3, 5, 10 कुछ कॉमन नहीं आ रहा. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा क्या हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा. ठीक है, सो 7 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा. ठीक है, सो ये हमारा HCF आ जाएगा. और नीचे 100 100 100 इनका LCM लोगे तो LCM कितना आ जाएगा, इनका LCM 100 ही आ जाएगा. क्लियर है गाइस? ठीक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इनका LCM 100 ही आ जाएगा. सो 21/100 कितना होता है, 0.21. सो यही हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा. क्लियर है? सो ये हमारा आंसर होगा. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. और याद रखना गाइस कि इस टाइप के जब भी डेसिमल के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों ने जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो हमेशा सेम रखना है, ये याद रखना है. ठीक है, सो दिस वन केस 100% आपका जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा सही होगा, कभी भी गलत नहीं होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे HCF निकालना है. सो HCF, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 175/100 लिख सकते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं, 56/10 लिख सकते हैं. इसको यहाँ पे 7/1. ठीक है, सो मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर पार्ट सेम रखना है. ठीक है, यहाँ पे क्या है 100, यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे एक जीरो लगाओ और ऊपर भी एक जीरो लगाओ. यहाँ पे भी हमने 100 बनाना है, सो 100 ऊपर भी हम 2 जीरो लगा देंगे. ठीक है, वैसे भी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर भी तो 7 ही रहेगा. ठीक है, सो हमने पूरा इक्वेशन को बैलेंस्ड करके चलना है. क्लियर है? सो HCF निकालना है. ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे, HCF, नीचे वाले का LCM. सो 175/560/700. सो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, इनका HCF. सो सभी में से कॉमन देख लो क्या आ रहा है. सो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन निकालो. तो 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा. सो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. सो यहाँ पे 120 कितने पे जाएगा, 4 पे, 0 एज इट इज. क्लियर है गाइस? सो आगे इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है. सो 7 निकालो. 35 5 पे जाएगा. सो ये कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा. आगे 42 कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20. सो इनमें से अभी कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन ही आ रहा. सो 7 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5. और नीचे अगर आप 100 का LCM लोगे तो कितना आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा. सो 0.35 ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. क्लियर है गाइस? सो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आया होगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हमने यहाँ पे LCM सॉल्व करना है. ठीक है, सो LCM का फार्मूला क्या होगा कि हम पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है, 2.727/10 लिख सकते हैं. यहाँ पे क्या है, 0.09. सो यहाँ पे हम 9/100 लिख सकते हैं. क्लियर है? सो यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट चेक करो. ठीक है, क्या है, 100 है. सो हमने सभी को 100 100 बनाना है. यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे और ऊपर एक जीरो लगाएंगे. यहाँ पे हम 2 जीरो लगाएंगे और ऊपर भी हम 2 जीरो लगाएंगे. क्लियर है? सो वैसे भी ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा. ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे ऊपर वाले का क्या लेंगे, LCM लेंगे. ठीक है, सो 300 270 और 9, यहाँ पे हम LCM लेंगे इसका.
सो 3 के टेबल पे ये 100 पे जाएगा और ये कितने पे जाएगा 90 पे जाएगा और ये 3 पे जाएगा. अगेन 3 के टेबल पे 100 एज इट इज आ जाएगा, ये 30 पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा. ठीक है, अगेन 3 के टेबल पे ये 100 और ये 10. ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 10 कॉमन आ जाएगा. सो यहाँ पे 10 रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा. ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27, 27 को 100. ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा. और यहाँ पे HCF निकालना है नीचे वाले का. सो HCF क्या निकालोगे, तीनों में से 100 कॉमन आ रहा है, सो 100, सो 2020 कैंसिल. सो यहाँ पे 27 आपका क्या आ जाएगा गाइज, आंसर आ जाएगा. क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट टाइप है. ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट. ठीक है, सो 4 डिजिट का हमने लार्जेस्ट नंबर पता करना है. सो यहाँ पे देखो, जब भी आपके पास क्वेश्चन में मिनिमम आ जाए, ठीक है, मिनिमम आ जाए या डिविजिबल बाय आ जाए या फिर आफ्टर आ जाए, ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा क्या सॉल्व करना है, एलसीएम सॉल्व करना है. क्लियर है गाइस? अगर आपके पास मैक्सिमम आ जाए या डिविजिबल आ जाए या बिफोर आ जाए, ठीक है, बिफोर, तो आप लोगों ने हमेशा एचसीएफ सॉल्व करना है. ठीक है, ये ट्रिक आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे हमने एलसीएम सॉल्व करना है या एचसीएफ सॉल्व करना है. ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये ट्रिक याद होगी तो आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा एचसीएफ एलसीएम के कंसेप्ट में कि हमने यहाँ पे क्या सॉल्व करना है. क्लियर है? सो अगर मिनिमम होगा, डिविजिबल बाय होगा या आफ्टर होगा तो हमने यहाँ पे एलसीएम सॉल्व करना है. मैक्सिमम होगा, डिविजिबल होगा या बिफोर. ठीक है, यहाँ पे डिविजिबल बाय है तो एलसीएम सॉल्व करेंगे, ओनली डिविजिबल है तो हम एचसीएफ सॉल्व करेंगे. क्लियर है? सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स. ठीक है, सो यहाँ पे पहले बात करते हैं 2 डिजिट की. लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 99 2 डिजिट का, और लीस्ट नंबर क्या होगा 2 डिजिट का, 10 होगा. क्लियर है? अगर यहाँ पे 99 पे आप 1 ऐड करते हो तो ये 3 डिजिट का बन जाएगा, अगर 10 में से आप एक भी माइनस करते हो तो वो 1 डिजिट का बन जाएगा. सो ये लीस्ट नंबर है और ये हाईएस्ट नंबर है. 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर क्या होगा, 999 होगा, और 3 डिजिट का लोएस्ट नंबर कितना होगा, 1000 हो, ठीक है, 100 होगा, सॉरी. सो यहाँ पे 4 डिजिट का अगर हाईएस्ट नंबर कितना होगा, 9999 होगा, और यहाँ पे जो लोएस्ट नंबर है, ठीक है, वो कितना होगा, यहाँ पे 1000 होगा. क्लियर है गाइस? सो हमने क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स डिविजिबल बाय. यहाँ पे डिविजिबल बाय का केस आ गया, मतलब कि हमने इनका क्या लेना, भी एलसीएम सॉल्व करना है. सो यहाँ पे एलसीएम सॉल्व कर लो, 12, 15 और 18 का अगर हम एलसीएम लेते हैं. ठीक है, सो 3 के टेबल पे ये 4 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा. अगेन 2 के टेबल पे ये 2 पे जाएगा और ये 5 एज इट इज आ जाएगा और ये 3 पे जाएगा. सो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, 18. सो यहाँ पे 0 साथ में लगा देंगे, सो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारे पास 180 आ जाएगा. क्लियर है गाइस? सो एलसीएम 180 आ गया. सो लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का कितना होगा, 9999, ये हमारे पास लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा. ठीक है, हमने इसको अभी क्या करना है, डिवाइड करना है 180 के साथ, जो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा. क्लियर है? सो 180 पे, ठीक है, 5 पे कितना जाएगा, 900 जाएगा. यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 99. ऊपर से हम एक 9 उतारेंगे, सो अगेन 999. ठीक है, 5 पे कितना पे जाएगा, ये 900 पे जाएगा. क्लियर है? सो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 99. क्लियर है? सो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, वो हमने 4 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है. क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर सपोज करो लार्जेस्ट नंबर क्या है, 4 डिजिट का 9999, अगर मैं इसमें से एक भी प्लस करता हूँ, एक भी नंबर अगर मैं इसमें प्लस करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा. क्लियर है? वो जो डिजिट होगा वो 5 डिजिट का हो जाएगा, लेकिन फिर जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो गलत हो जाएगी. हमें 5 डिजिट का नंबर तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर. क्लियर है? जो लार्जेस्ट होगा,
इट मींस हमने यहां पे इस जो डिविडेंड है इसमें हमने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। हम यहां पे प्लस कुछ नहीं कर सकते, अगर मैं यहां पे प्लस करता हूं तो ये 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा जो कि मुझे नहीं चाहिए। सो इट मींस मैंने यहां पे माइनस करना है। जब भी माइनस करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो डिविडेंड है इसको आप लोगों ने रिमाइंडर में से माइनस कर देना है, क्लियर है गाइस। सो माइनस करोगे तो यही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। सो 9999 में से 99 आप लोगों ने जो रिमाइंडर है इसको माइनस कर देना है। सो 0099 ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है गाइस। सो ये आप लोगों ने याद रखा है, जब भी माइनस करना है आप लोगों ने डिविडेंड में से, ठीक है, रिमाइंडर, डिविडेंड और रिमाइंडर दोनों का क्या कर देना, माइनस कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। सो नेक्स्ट टाइप और करेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है और उसमें देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं, क्लियर है गाइस। सो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अभी हमने यहां पे लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा डिजिट फाइंड आउट करना है 5 डिजिट्स का, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18। सो यहाँ पे डिविजिबल बाय का केस है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इनका एलसीएम, ठीक है। लास्ट पार्ट में हमने 12, 15, 18 का एलसीएम लिया था, सो कितना आया था यहाँ पे, 180 आया था, क्लियर है। सो यहाँ पे 180 लेके चलेंगे हम। सो यहाँ पे लीस्ट नंबर पता करने हमने 5 डिजिट का लीस्ट नंबर क्या होगा, 10000, ठीक है, यही लिस्ट नंबर होगा। अगर आप इसमें से एक भी माइनस करते हो तो वो 4 डिजिट का हो जाएगा, मतलब यही छोटे से छोटा नंबर है 5 डिजिट का। सो अभी हम यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। सो डिवाइड कैसे करेंगे, सो 5 के टेबल पे 180, ठीक है, 18 मल्टीप्लाई 5 90 होता है, सो 900 आ जाएगा। सो माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 100, ऊपर से एक जीरो उतारेंगे यहाँ पे, सो 1000 है ये, फिर कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा 900, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100, क्लियर है, ये हमारे पास 100 रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे 10,000 में से अगर मैं यहाँ पे एक नंबर भी माइनस करता हूँ, कुछ भी माइनस करता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, 5 डिजिट नंबर की चाहिए हमें, छोटे से छोटा नंबर। इट मीन्स यहाँ पे मैं माइनस कुछ नहीं कर सकता, क्लियर है गाइस, यहाँ पे मैं माइनस नहीं कर सकता, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, प्लस करना होगा ना, तभी मुझे यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर मिलेगा, क्लियर है। सो यहाँ पे मुझे प्लस करना होगा। जब भी आप लोगों ने प्लस करना है तो आप लोगों ने क्या याद रखना है, पहले तो आप लोगों ने डिवीजर और रिमाइंडर को क्या करना है, माइनस। सो 180 माइनस 100 करोगे कितना आ जाएगा, 80। जो यहाँ पे आपका आंसर आएगा आप लोगों ने उसको यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, क्लियर है गाइस। सो ये है ट्रिक प्लस करने की। सो यहाँ पे 80 आया, 80 को आपने 10,000 में से प्लस करना है। सो प्लस करोगे 10080, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है गाइस। सो जब भी आप लोगों ने प्लस करना है तो आप लोगों ने पहले डिवीजर माइनस रिमाइंडर करना है, जो आंसर रहेगा उसको आप लोगों ने डिविडेंड में से माइनस करना है, ठीक है। सो लास्ट केस में हमने क्या किया था, लास्ट केस में हमने किया था कि अगर माइनस का केस होगा तो हमने डायरेक्ट डिविडेंड में से रिमाइंडर को माइनस कर देना है, ये तो माइनस का केस था फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड केस क्या आएगा, जब भी हम लोगों ने प्लस करना है, प्लस का केस क्या होगा, पहले हमने डिवीजर को और यहाँ पे रिमाइंडर को माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हमने डिविडेंड में प्लस कर देना है, क्लियर है। सो ये तो आपको पता चल गया होगा कि हमने कब माइनस करना है, कब प्लस करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने माइनस प्लस करना है। अगर उन्होंने कहा है कि हमें 5 डिजिट का नंबर चाहिए छोटे से छोटा, हम उसमें से माइनस कुछ नहीं कर सकते, अगर माइनस करेंगे तो वो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो हमारी रिक्वायरमेंट गलत हो जाएगी, मीन्स टू से हमने यहाँ पे प्लस करना होगा, क्लियर है गाइस। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम और टाइप्स करेंगे और थोड़े हाई लेवल की ओर मूव करेंगे, क्लियर है गाइस। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।